जिंदगी की राहें क्या सिर्फ कदमों की मोहताज हैं? आगे बढ़ने का हौसला उनमें भी होता है जो ठीक से चल नहीं सकते। मुझे हमेशा महसूस करवाया गया मैं दूसरों जैसी नहीं। आखिर मैं क्या हूं उनके लिए? एक लाचार लड़की, एक बोझ या गैर जरूरी सामान? मेरे साथ हुआ एक बुरा हादसा क्या मुझसे मेरा अस्तित्व छीन लेगा? अस्तित्वहीन तो वो हैं जो कभी अपनी रूढ़िवाद सोच से और हर आगे बढ़ने वाली लड़की को लाचार बना देते हैं। रखो बेटा, अभी हम पहुंच रहे हैं हॉस्पिटल, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे क्यों आए हो यहां पर? मानसी, मुझसे ऐसे बात मत करो। आदिति मेरी भी बेटी है। कैसी है आदिति डॉक्टर? आदिति का पिछले दो दिन से आप हमसे झूठ बोल रहे हैं। पहले आपने ये छुपाया कि आपकी बेटी अदिति किडनैप हुई और फिर ये कि उसका रेप हुआ। सर, मुझे डर था अपनी और अपनी मासूम सी बच्ची की बदनामी का। सर, ये चाहे जो भी कुछ कहे, लेकिन अब मुझे मेरी बेटी के लिए इंसाफ चाहिए। मानसी, मुझे बार बार ये महसूस मत करवाओ कि मुझे अदिति की कोई फिक्र नहीं है। तुम अब भी ये बात नहीं समझ रही हो कि अदिति की पूरी जिंदगी पड़ी है उसके सामने, और इनकी कार्रवाई क्या समाज में आदित्य को जीने देगी? राघवेंद्र जी, समाज में सिर्फ आप नहीं रह रहे, हम भी उसी समाज में रहते हैं, और आपकी तरह समाज में और भी माँ बाप हैं, उनकी भी बेटियां जिन दरिंदों ने आपकी बेटी के साथ ये सब किया है, बाहर खुले घूम रहे हैं। कल को वो किसी और की बेटी के साथ ऐसा करेंगे। जो भी हुआ है सब कुछ साफ साफ बताइए और सच सच बताइए। खून खोल रहा है मेरा, आखिरी बार कह रही हूँ घर में राशन खत्म हो गया है, मंगवा दो वरना। अरे, तुम्हारी फीकी चाय पीते ही मैं समझ गया था कि घर में शक्कर नहीं है। अभी दो दिन पहले ही तुम्हें शक्कर लाकर दी थी एक बोरी, वो बोरी ससुराल में दे दी क्या? शक्कर के चक्कर में ये शक्कर के चक्कर में मुझे मत उलझाओ। मेरा ना खून सर पे सवारा चाकू की धार। तो ये वीडियो जो है हम शाम को बनाएंगे। चलो जाओ जाओ, गुड 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 गर्ल। सर, वो स्कूल के अलावा कहीं पर भी अकेले नहीं जाती थी, और हमारा नौकर बादल उसे छोड़ने के लिए जाता था पिकअप पॉइंट तक, और पिकअप पॉइंट से ही हमारा नौकर बादल ही उसे लेकर आता था, और दो दिन पहले वो स्कूल से ही वापस आ रही थी तब उसका किडनैप हो गया। आदिति का कोई बॉयफ्रेंड या कोई लड़का जो उसको परेशान करता? आदिति ने कभी भी ऐसा कुछ नहीं बताया। देखिए, कुछ भी छुपाइएगा मत, अब जो भी बात है सच सच बोल दीजिए। देखिए, हम आपसे कुछ नहीं छिपा रहे हैं। हमें पता चला कि जिस दिन आदिति का किडनैप हुआ उससे एक दिन पहले उसका बर्थडे था, तो बर्थडे में काफ़ी गेस्ट आए थे,
उस रात पार्टी में कुछ ऐसा हुआ था जो आप लोगों को सही ना लगा? आपको किसी पर शक? हैप्पी बर्थडे। और ये तुम्हारा गिफ्ट? थैंक यू सो मच। और भैया कैसे हैं आप? हाँ ठीक हो। और मानसी तुम? राघव भैया लगता है मानसी अभी तक नाराज है मुझसे। नाराज क्यों नहीं होगी, तुमने हरकतें ऐसी की मानसी के छोटे भाई इसके साथ। वो मेरा देवर भी है और उसके बड़े भाई ने शादी ना सिर्फ नाम के लिए की है मुझसे, मेरी सौत को लेकर US में बैठा हुआ है। समझाना है तो आप उसे समझाओ ना, पर नहीं, बस हर बार औरत की गलती होती है। हाँ हैप्पी बर्थडे। तो वादा पूरा कर ही दिया आपने, अभी तुम बुलाओ और मैं ना हूं, ये हो सकता है कभी? ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। थैंक यू सो मच, ये ना मेरे लिए सबसे ज्यादा स्पेशल गिफ्ट है। आई नो बाबा। ये बादल अंकल भी ना मम्मी को दिखाते तो ऐसे जैसे टाइम से आते हैं पर हमेशा लेट हो जाते हैं। मैडम वो अदिति बेबी आ गई क्या? आ गई मतलब? तुम गए थे ना लेने उसे? वो मैडम मुझे पहुंचने में थोड़ा लेट हो गया था, वो पड़ोस के दुकान वाले ने उसने बताया कि मेरे पहुंचने से पहले ही बस आ गई, मुझे लगा कि वो खुद से घर आ गई होगी। बादल तुम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हो? हाँ हमेशा तुम यही करते हो, लेट हो जाते हो उसे लेने में। क्या हुआ मानसी? कहीं मिली अदिति? कहीं पता नहीं चला। मैडम अदिति बेबी घर आई क्या? मैंने हर जगह ढूंढा कहीं नहीं मिली वो। तुम्हारी वजह से हुआ है सब कुछ। हेलो राघवेंद्र सैनी, तेरी बेटी को हमने उठाया। क्या आदिति कौन बोल रहे हो तुम? आदिति क्यों जीव नहीं लिखेगा मुझ पर? अबे अपनी बेटी के बारे में सोच, उसको अगर जिंदा देखना चाहता है तो 50 लाख रुपए लगेंगे। 50 लाख? देखो मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। हाँ तो 50 लाख रुपए का इंतजाम कर और सहारनपुर रोड पे पहुंच। हेलो हेलो कौन है ये लोग? हमें सबसे पहले पुलिस को बताना चाहिए। अगर हमने पुलिस को बताया तो ये लोग आदित्य को मार देंगे। हेलो, हाँ मैं सहारनपुर रोड पर ही हूँ। वो माइलस्टोन ढूंढ जहाँ पर सहारनपुर 22 किलोमीटर लिखा हुआ है। लेकिन मेरी बेटी कहाँ? अरे पहले वहां पहुंच तो सही, फिर बताता हूँ क्या करना है। मुझे भी चखना है। अरे चखो, मैं तो कहता हूँ पूरा चूस डालो, जिंदा नहीं बचनी चाहिए। हेलो, हाँ हाँ मैं आ गया हूँ। अब एक काम कर, 50 लाख रुपए वहां रख और वहां से निकल। क्या? लेकिन मेरी बेटी आदिति। जितना बोल रहा हूँ उतना कर। 2 किलोमीटर बाद वहां पर एक और माइलस्टोन मिलेगा जिस पर सहारनपुर 20 किलोमीटर लिखा होगा, वही मिल जाएगी तेरी बेटी तुझे।
हेलो। हाँ क्या हुआ, अदिति मिली? नहीं मासी, अदिति नहीं मिली। मैंने पैसे भी दे दिए लेकिन अदिति नहीं मिली। क्या? एक मिनट मानसी, मैं फोन करता हूँ बाद में। राघव, हेलो। अदिति बेटा, पापा, ये क्या हो गया? बेटा हम पानी से ना क्लीन कर लेते हैं, फिर तुम मेरे कपड़े बदल लेना, ठीक है? स्विच ऑफ। सर मुझे नहीं पता किडनैपर्स ने पैसे लेकर कहाँ बुलाया है, लेकिन मुझे इस वक्त बहुत चिंता हो रही है अदिति की। किडनैपिंग कितने बजे हुई थी? बादल रोज उसे बस स्टॉप पर पिक करने जाता है, लेकिन कल थोड़ा लेट हो गया। उसके बाद हमें अदिति मिली ही नहीं। अदिति बेटा उठो, हम घर आ गए। देखो बेटा, अगर तुमसे कोई कुछ पूछता है तो उसे कुछ बताना मत कि तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ, ठीक है? और हाँ, अगर पुलिस तुमसे पूछती है तो बस इतना ही बताना कि तुम्हारा किडनैप हुआ, ठीक हो? प्लीज मेरी अदिति को ढूंढ लीजिए, प्लीज सर। आप बेफिक्र रहिए। अदिति, अदिति आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था, आपने हमें इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? देखिए, मैं अपनी बेटी की जान को रिस्क में नहीं डाल सकता था, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म नहीं किया। और मेरे फोन की बैटरी चली गई थी रात को, तो मैं अपनी वाइफ मानसी को भी नहीं बता पाया कि अदिति मुझे मिल गई है। ताज्जुब की बात है कि किडनैपर्स ने आपकी बेटी अदिति को इतनी आसानी से छोड़ दी। वैसे थे कौन किडनैपर्स, उनके चेहरे देख पाया? देखिए, उनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। मेरी उनसे जो भी बात हो रही थी फोन पे हो रही थी। सर, उन्होंने मुझे सहारनपुर रोड पर पैसे लेकर बुलाया था और वहां पर भी वो लोग मेरे सामने नहीं आए और माइलस्टोन पर मुझसे पैसे रखवा दिए। और उसके 2 किलोमीटर बाद अगले माइलस्टोन पर उन्होंने मुझसे बोला कि आपकी बेटी अदिति आपको मिलेगी, और वहीं पर मुझे अदिति मिली। आपकी बेटी अदिति ने तो किडनैपर्स का चेहरा देखा होगा, हमें अदिति से बात करनी। मेरी बेटी बहुत डरी हुई है और अगर आप उससे सवाल पूछेंगे तो वो और ज्यादा परेशान हो जाएगी, और मैं ये नहीं चाहता हूँ। प्लीज क्या हुआ मानसी? एक मिनट मानसी, तुम जल्दी से क्लीन कर दो और ये एक पेन किलर दे दो इसको। दवाइयों से अब कुछ नहीं होगा राघव, देख रहे हो उसकी हालत, इसे अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। मानसी, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना कि इसे हॉस्पिटल लेके जाएंगे तो सबको पता चल जाएगा। तो कैसे इसी तरफ से गई? मानसी, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम नहीं समझ रहे हो राघव, और अब मैं तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनूंगी। मैं अभी के अभी इसे हॉस्पिटल लेकर जा रही हूँ। मानसी, अगर तुम गई तो वरना मैं वरना क्या? तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगी। मानसी
मैं अपनी बेटी को मरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए अब अगर तुमने कुछ भी कहा ना तो मैं भूल जाऊंगी कि तुम मेरे पति हो। डॉक्टर, हमारा अदिति से बात करना बेहद जरूरी है। अदिति बात करने की हालत में कब तक आ जाएगी? अदिति को रिकवर करने में टाइम लगेगा। उसकी इंजरीज देख के लग रहा है कि बहुत ही ब्रूटल रेप था सर, शायद गैंग रेप हो सकता है। उसे 2 दिन बाद अस्पताल में लाया गया, इसलिए रेपिस्ट के सारे सीमेंस वाइप आउट हो चुके हैं। वक्त रहते वो हॉस्पिटल आई, वरना लड़की का बचना इम्पॉसिबल था सर। थैंक यू डॉक्टर। बोला शर्मा। सर, मैंने सहारनपुर रोड पर मौजूद उन दोनों माइलस्टोन के आसपास चेक किया, आसपास सिर्फ जंगल ही जंगल है, दूर दूर तक कोई घर नहीं है। और जिस नंबर से अदिति के फादर राघव को फिरौती का कॉल आया था वो नंबर? फेक आईडी का नंबर है सर। इस नंबर के CDR निकाले तो पता चला कि किडनैपिंग से पहले इस नंबर से लास्ट कॉल अदिति की फैमिली के सर्वेंट बादल को किया गया था। क्या बादल? वो लगातार किडनैपर्स के टच में था, पर अभी उसका फोन बंद है। कहाँ है वो? तो कल ही छुट्टी लेकर अपने गाँव गया। मतलब भाग गया। एड्रेस दीजिए उसका। सर, उसका एड्रेस तो नहीं है, बस हमें इतना पता है कि वो राजस्थान का रहने वाला था और मेरे साले ने ही उसे मेरे घर पर काम पर लगवाया था। आपके साले को बुलवाइए, हमें उनसे बात करनी। लेकिन इस समय तो मेरा साला दिल्ली में है और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। आपके साले का नाम क्या? राजीव। क्या आर के दिखा? चल आर के दिखा। हटे, गाड़ी लेके जा। आपको आपके साले राजीव पे कभी शक नहीं हुआ? क्योंकि बादल को वही आपके पास लेकर आया था। नहीं नहीं सर, राजीव ऐसा नहीं है। इनफैक्ट वो तो काम के सिलसिले में कई कई दिनों तक घर से बाहर रहता है। काम क्या करता? सर, वो मेरे साथ ही काम करता है और हमारे साथ ही रहता है। किडनैपर्स ने आपको पैसे लेकर सहारनपुर रोड पर बुलवाया। क्या सहारनपुर में कोई ऐसा है जो आपको जानता हो, जो ये कर सकता है? नहीं सर, सहारनपुर में हमारा जानने वाला कोई नहीं है। हेलो, सहारनपुर पहुंच गया हूँ, अब आगे क्या करना है? जिंदगी की राहें क्या सिर्फ कदमों की मोहताज हैं? आगे बढ़ने का हौसला उनमें भी होता है जो ठीक से चल नहीं सकते। मुझे हमेशा महसूस करवाया गया मैं दूसरों जैसी नहीं। आखिर मैं क्या हूं उनके लिए? एक लाचार लड़की, एक बोझ या गैर जरूरी सामान? खुशबू, मेरे साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा होगा ना, नजरिया बदला होगा। लेकिन कुछ बातें ना भूलने पे भी भुलाई नहीं जाती हैं। अरे यार, तुम हमेशा खुद को क्यों दूसरों से कमजोर महसूस करते हो? तुम्हारे अंदर कुछ स्पेशल है जो दूसरों के अंदर नहीं है बाबा। अच्छा हो गया, अब मैं चलती हूँ, घर आ गए, ठीक है? अच्छा, अच्छा सुनो, अगली बार जब हम मिलेंगे ना तो ऐसी नेगेटिव बातें नहीं करोगे? ठीक है। ठीक है सर। कितनी बार समझाया तुम्हें, उस लफंगे से दूर रहा करो। लफंगा नहीं है वो भैया, मेरा दोस्त है। खुशबू, तुम्हें अच्छे बुरे की समझ नहीं है। मेरी बात समझने की कोशिश करो, वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है। मुझे तो उसमें कोई कमी कोई खामी नहीं दिखती भैया। अच्छा, कहीं प्यार वार तो नहीं हो गया तुम्हें उससे? देखो खुशबू, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि पापा तुम्हारा रिश्ता कहीं और तय कर रहे हैं। जानती हूँ मैं, लेकिन लेकिन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। सर, बादल का फोन सहारनपुर में ऑन हुआ था और फिर तुरंत बंद हो गया। सहारनपुर, फिरौती के पैसे वहीं मंगवाए गए थे, उसकी लोकेशन ट्रेस करो। लोकेशन ट्रेस हो रही है सर, टीम ऑलरेडी उधर ही है। और हाँ सर, बादल ने उधर से ही अदिति के मामा राजीव के एक दूसरे नंबर पर कॉल किया था और वो नंबर भी बंद है। अदिति का मामा राजीव,
तो पूरे चांसेस हैं कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड अदिति का मामा राजीव ही है। ढूंढो इस राजीव को। अरे आप लोग खाली चाय पी रहे हैं, कौन सा लीजिए? लेते हैं भाई, सुन ले। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में ले लीजिए। ये लीजिए, ये है हमारी बेटी खुशबू। कैसी है बेटा? जी मैं ठीक हूँ। भास्कर जी, जी आपको अगर ऐतराज ना हो तो हमारा कुनाल खुशबू से अकेले में कुछ बात कर सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, मुझे शादी नहीं करनी। चलो माँ। क्या सरला जी, मैंने तो पहले ही आपको अपनी बेटी के बारे में सब कुछ बताया था ना। दीदी, दीदी। राजीव, ये क्या हो गया तुम्हें? चलो सो, ये लो पानी पियो। दीदी पहले पानी पी लो। दीदी मैं हाईवे से आ रहा था, वो कुछ लोगों ने मुझे लूट लिया। जा गाड़ी लेके जा। वो मेरी कार भी ले गए और चीजाची के पेमेंट के 30 लाख रुपए। क्या हो रहा है ये सब? उधर अदिति को किडनैप कर लिया, उसकी ऐसी हालत है और अब ये तुम्हारे साथ। क्या दीदी, अदिति किडनैप हो गई थी? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? ये अब जो बोलना है थाने चल के बोलना। चल चल। अदिति की किडनैपिंग किसके साथ मिलकर की थी? अदिति मेरी भांजी है, मैं क्यों उसको किडनैप करवाऊंगा? एक्टिंग बंद कर। बादल को अपनी बहन और जीजा के यहाँ नौकरी पर तुमने लगवाया था ना, और बादल के कॉल रिकॉर्ड्स में किडनैपर्स का नंबर मिला। बादल ने किया ये सब? और बादल ने गायब होने के बाद आखिरी बार कॉल तुझे किया था? नहीं सर, आपको कोई गलत फहमी हुई। ये ले, तेरी गलत फहमी दूर कर ले, ये है वो नंबर। इस नंबर पर बादल ने कॉल किया था। माना ये नंबर मेरे नाम पे जरूर है, लेकिन ये नंबर तो मैंने दिव्या को इस्तेमाल करने के लिए दिया था। कौन दिव्या? दिव्या से 2 महीने पहले ही मेरी दोस्ती हुई थी, मुझे उससे सच्चा प्यार हो गया था सर। और जब दिल्ली में मैं अपने जीजा के क्लाइंट से पेमेंट लेने गया था, तब दिल्ली के एक होटल में ही उससे मिला था। उसने जानबूझ के मुझे इतनी शराब पिलाई कि मैं होश में ही नहीं था सर। और जब अगली सुबह मैं उठा तो दिव्या सर वो मेरा फ़ोन भी चुरा कर ले गई, इसीलिए मेरा फ़ोन बंद था। 30 लाख रुपए लेकर चली गई सर दिव्या। और रही सही कसर उन हाईवे के गुंडों ने पूरी कर ली, मेरी कार, मेरा पर्स, मेरी चैन सब कुछ ले गए सर, और मुझे मारा अलग। दिव्या की तस्वीर है तेरे पास? फ़ोन में थी सर, और फ़ोन तो चोरी हो गया। दिव्या ने ज़रूर कुछ किया होगा, उसने मुझे भी धोखा दिया। जैसा आप बता रहे हैं कि बादल ने जब लास्ट कॉल किया था, वो तो दिव्या इस्तेमाल कर रही थी नंबर। दिव्या बादल को कैसे जानती है? बादल दिव्या का मुंह बोला भाई है, और दिव्या ने मुझसे कहा था कि बादल को कहीं जॉब पे लगवाऊं, इसलिए मैंने उसे जीजाजी के यहाँ जॉब पे लगवाया। ये बादल और दिव्या रहते कहाँ? सर मैं उनका एड्रेस तो नहीं जानता। दिव्या से 2 महीने पहले मैं फ्रेंडशिप क्लब नाम की ऐप से कॉन्टेक्ट में आया था, उसके बाद दिव्या ने मुझे एक बार मिलने के लिए बुलाया। दिव्या पर भरोसा कर मैंने बहुत बड़ी गलती करी सर। ये जो कहानी तू हमें सुना रहा है ना, अगर ये कहानी झूठी निकली तो हम तुझे तेरे पैरों पर चलने लायक नहीं छोड़ेंगे, नहीं। याद रखना है। सर सर मैं सच बोल रहा हूँ सर। रजनी बेटा आखिर इसमें हर्ज क्या है? हर्ज है पापा, खुशबू दीदी मुझसे बड़ी है, मैं उनसे पहले कैसे शादी कर सकती हूँ? लेकिन देखो बेटा हम। क्या बात है पापा? बेटा बेटा वो जो लड़के वाले तुम्हें देखने आए थे ना, उनको रजनी पसंद है, वो लड़का रजनी से शादी करना चाहता है। दीदी आप ही बताओ, क्या मुझे उस लड़के से शादी करनी चाहिए जो आपसे इतनी बदतमीजी से पेश आया? सर ये राजीव इस लड़की के साथ था ये तो कन्फर्म है, लेकिन सर इस लड़की की कोई लीड नहीं मिल रही है। राजीव के मुताबिक वो फ्रेंड्स क्लब नाम की ऐप से दिव्या के कांटेक्ट में आया था,
और मैंने साइबर सेल की मदद से पता किया, इस ऐप पर दिव्या नाम का प्रोफाइल है जिससे राजीव चैटिंग करता था, और वो फेक है। लेकिन सर, राजीव ऑनलाइन मिली लड़की पे इतना ट्रस्ट कर सकता है कि उसे अपने नाम का रजिस्टर्ड सिम यूज करने के लिए दे दे? सर, ये राजीव इतना बेवकूफ नहीं लगता? तो हो सकता है राजीव झूठ बोल रहा, पर फिर भी पता तो करना होगा ये दिव्या आखिर कौन है। सर, आदित्य को होश आ गया। चल बेटा, तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी अदिति। I'm sorry, माँ, मेरी वजह से आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। ऐसे मत बोल बच्चे। I'm so sorry. ऐसे नहीं बोलते बेटा, गलती तो हमसे हुई है, हम तेरे लिए कुछ नहीं कर पाए। बेटा, तू तो सर्वाइवर है ना, और सर्वाइवर ऐसी बातें नहीं करते, सब ठीक हो जाएगा। अदिति, सर आपसे बात करना चाहते हैं। नहीं, मुझे बात नहीं करनी। अदिति बेटा, डरो मत, हम सिर्फ आपसे बात करना चाहते हैं ताकि जिन लोगों ने आपके साथ ये किया है हम उन्हें पकड़ सकें, उन्हें सजा दे सकें। नहीं, आदिति बेटा, देख, डर मत। अरे बेटा, तू तो हमारी डायरेक्टर साहिब है, सब कुछ सच सच बता दे, बता दे सर। बोलो बेटा, उस दिन एग्जैक्टली क्या हुआ था? कौन थे वो लोग? आपने उन्हें पहले कभी देखा था? कितने लोग थे? तीन लोग थे। लेकिन लेकिन क्या बेटा? वह एक आदमी और था, बांध रखा था। वो जगह कैसी थी जहां वो आपको लेकर गए थे, जहां आपको रखा था? नहीं पता सर, उन्होंने मेरी आंखों पे पट्टी बांध रखी थी और जंगल में ले जाने के बाद ही मेरी पट्टी खोली थी। अच्छा, वो गाड़ी कैसी थी जिसमें वो आपको लेकर गए थे? अब गाड़ी का नंबर देख पाए? रंग क्या था गाड़ी? अच्छा, जब वो आपस में बात कर रहे थे, आपस में एक दूसरे का नाम लिया होगा, एक दूसरे को बुला रहे होंगे, कुछ भी बात। जब तुम्हारी मम्मी ने मेरे पापा से रिश्ते की बात की तो मुझे लगा कि कहीं तुम्हारी शादी खुशबू दीदी से ही ना करवा दे। माँ को मैंने पहले ही बता दिया था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, यानी तुम्हारे डैड को दिखाने के लिए कुछ एक्टिंग करना जरूरी था ना। तुम सिर्फ मेरी चॉइस थे, अपनी दीदी का कैसे होने देती तुम्हें? तुम हाल गए? कितनी स्पीड में चला? हल्का हल्का हल्का। हाँ, कुछ नहीं होगा, डरो नहीं। नहीं, नहीं। उसके पैर की हड्डी टूटने के कारण हम लोगों ने उसमें स्टील की रॉड डाली, वो भी अच्छे से चल नहीं पाएगी। सर, बादल का फोन इसी एरिया में ऑफ हुआ था, सुबह कुछ लोगों को उसकी लाश मिली है। सर, बादल ने जिस लास्ट नंबर पे कॉल किया था, राजीव ने बताया था कि वो नंबर दिव्या इस्तेमाल कर रही थी। हो सकता है दिव्या ने बादल को यहाँ बुलाया और उसका मर्डर कर दिया। क्या हो सकता है, इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड कोई और ही है जो सबको घुमा रहा है। इसका इस किडनैपिंग से कोई कनेक्शन है क्या? नहीं सर, ऐसा तो कुछ मिला नहीं, लेकिन ये राजीव, इसने एक साल पहले किसी साहूकार से 15 लाख रुपए ब्याज पर उधार लिए, सूद भी नहीं लौटा पा रहा था, लेकिन अदिति की किडनैपिंग के बाद इसने 15 लाख रुपए सूद समेत वापस कर दिए। किडनैपर्स ने फिरौती की रकम मांगी 50 लाख रुपए,
और अदिति का मामा राजीव अपने बहनोई राघवेंद्र से 30 लाख रुपए लेकर राघवेंद्र के क्लाइंट को मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि वो 30 लाख रुपए दिव्या लेकर भाग गए। 50 और 30 मतलब पूरे 80 लाख। हो सकता है सर 80 लाख में से 15 लाख राजीव का हिस्सा और बाकी दूसरे किडनैपर्स का, लेकिन ये बाकी हैं कौन? आखिर ये किडनैपर्स कौन? अदिति ने बताया था कि किडनैपर्स 3 थे, लेकिन उसने ये भी बताया कि वहाँ पे एक चौथा बंदा और था, कि अदिति के अलावा किडनैपर्स ने उसे भी किडनैप किया था। खुशबू आ गई क्या बेटा? नहीं पापा, और मैंने देखा कि वो अपने कपड़े भी साथ लेकर गई है। क्या कपड़े? तेरे को झगड़ा पड़ता नहीं उसके साथ? मेरा क्या झगड़ा होगा, वो खुद ही मुझसे चिढ़कर बैठी है। देख रजनी, तुझे मैं अच्छी तरह जानता हूं। एक मिनट, खुशबू घर से कपड़े ये पकड़ो, चलो उसको ढूंढते, चल जल्दी आ। एक मिनट पापा, क्या किसका फोन है? हेलो, क्या ठीक है? अदिति ने सुसाइड करने की कोशिश की, वो कॉइन देखकर डर गई। कॉइन? हाँ कॉइन। इस बात का किडनैपिंग से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, और ये ताल्लुक क्या है अदिति अभी कुछ भी बताने की हालत में नहीं है। सर कमें सर, ये अदिति का फादर राघवेंद्र सहारनपुर रोड पे फिरौती देने के लिए 18 तारीख को गया था, लेकिन 17 तारीख की रात को 11:30 बजे सहारनपुर से 100 किलोमीटर दूर मुरादाबाद की एक दुकान में इसकी एक UPI ट्रांजेक्शन हुई थी, वो भी सर 536 रुपए की। तो इतनी छोटी सी ट्रांजैक्शन के लिए अदिति का फादर राघवेंद्र किडनैपिंग से एक दिन पहले सहारनपुर से 100 किलोमीटर दूर इस दुकान पे क्यों गया होगा, और वो भी अदिति के बर्थडे वाले दिन? वही तो समझ में नहीं आ रहा सर। एक काम करो, जिस दुकान पे ट्रांजैक्शन हुई वहाँ पता करो, उसके बाद राघवेंद्र से बात करते हैं। सर मुझे याद आया, उस रात हम दुकान बढ़ाने ही वाले थे, तभी एक लड़का आया था, उसने हमसे सोडा पानी और स्नैक्स लिए थे, और सर उसने काफ़ी पी रखी थी, उसके मुंह से बदबू भी आ रही थी, और सर उसे UPI का पिन भी नहीं याद था, फिर उसने किसी को कॉल किया और UPI का पिन लिया, फिर उसके बाद मेरी पेमेंट क्लियर की। ये देखो, इसे पहचानती हो क्या? वो उन तीनों में से ये उनमें से है अदिति? देखिए मैंने आपको बोला था कि अदिति से बात मत कीजिए, लेकिन आप सब प्लीज बाहर जाइए, प्लीज बाहर जाइए। राघवेंद्र जी, उस दिन दुकान पे आपके UPI से पेमेंट की गई है। मेरे UPI से? लेकिन ये कैसे हो सकता? सर कविता का कहना है कि राघवेंद्र को भी कोई आइडिया नहीं है कि उसके UPI से पेमेंट कैसे हुई। ऐसा कैसे हो सकता, ये राघवेंद्र को छुपा तो नहीं रहा? लेकिन सर कविता का कहना है कि अदिति ने जिस तरह से उस फुटेज में उस आदमी को देख कर रिएक्ट किया था, पूरे चांसेस है कि वो आदमी किडनैपर्स में से एक है, और वो सिल्वर रंग की कार में आया। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि उस दुकान की फुटेज में भी कार का नंबर विजिबल नहीं है। दुकानदार के बयान के मुताबिक उसने पी रखी थी, तो एरिया के जितने भी वाइन शॉप हैं, ठेके हैं, बार हैं, सब जगह चेक कर, शायद वो कहीं दिखा हो। ओके सर। सर वो आदमी 17 तारीख की रात को इस बार में आया था, और इस वेटर ने उसे आइडेंटिफाई भी किया है। साहब ये हमारा रेगुलर कस्टमर है। इसका नाम क्या है, कहाँ रहता है ये? इसका नाम दीपक है, दयाल नगर में कहीं रहता है। आइए, यही घर है सर, लेकिन यहाँ पे ताला लगा हुआ है। तो दीपक नहीं, कौन है? पूरा घर चेक कर शर्मा, पता करो दीपक कहाँ गायब है। सर अदिति सैनी, इसका मतलब अदिति को किडनैप करने के बाद यहाँ रखा गया, तो फिर ये बॉडी किसकी है? चेक कर, पॉकेट चेक कर। सर तो क्या ये अदिति का भाई है? जी सर, निकुंज मेरा ही बेटा था। मेरी पहली पत्नी के देहांत के बाद मैंने मानसी से शादी कर ली थी। जब आपने मेरे UPI ट्रांसफर के बारे में पूछा था, तभी मैंने सोचा था कि मेरे UPI पिन के बारे में मेरे अलावा सिर्फ निकुंज ही जानता था, और ये बात सोच के मैं बहुत परेशान था। आपने हमें कुछ नहीं बताया, पर फिर भी हमने सब कुछ पता कर लिया। हमने पता कर लिया कि आपका बेटा किस जुर्म की सजा काटकर जेल से 2 महीने पहले जमानत पर बाहर आया। ये ले तेरा सामान और ये पैसे। पापा मुझे आप लोगों के साथ रहना है। मेरी बात सुन बेटा, अभी तू जा
और शांति से अपने मामा के साथ रहना। सर, मेरा बेटा जेल में था और जमानत पे बाहर आया था, तो उसके बारे में मैं कैसे बताता आपको? तो आप हमें ये बताइए कि वो कौन हो सकता जो आपके दोनों बच्चों को टारगेट कर सकता है। पता चल गया सर, ये दीपक कहाँ छुपा हुआ है। उठाओ। ए, खरम, पकड़ो इसको। सर, सर, सर। कौन कौन शामिल है तेरे साथ इसके डैपिंग में? बोल। ईशा, चले? तो आप हैं खुशबू के फादर, तुम भाई। खुशबू के साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ, मैं समझ सकता हूं आप लोगों पर क्या गुजरी होगी। नहीं समझ सकते आप कि हमने जो सहा है, हमारी बेटी ने जो सहा है, उस आदित्य के भाई निकुंज ने अपने दोस्त सुधीर और गोविंद के साथ मिलकर पहले मेरी बहन का रेप किया है सर। निकुंज ने रेप नहीं किया था, निकुंज की गलती सिर्फ इतनी है कि उसने गोविंद और सुधीर की मदद की थी। नहीं सर, ये उसके बाप का मैनिपुलेशन था कोर्ट में, जिससे अपने बेटे को बचा सके। खुशबू सुधीर को बहुत पसंद करती थी सर, इसीलिए उसके जाल में फंस गई। दीपक ने सब कुछ देख लिया था और मुझे फोन करके सब कुछ बताया उसने, उसे मार डाला सर। मैंने खुशबू की केस फाइल स्टडी की, वहां लोकल पुलिस को खुशबू की एक डायरी भी मिली थी, वो डायरी मैंने पढ़ी। खुशबू ने उसमें साफ साफ लिखा है कि आप लोग खुशबू को बोझ समझते थे। अब साफ साफ पूछ रहा हूं, साफ साफ बता, खुशबू का मर्डर किसने किया? मैं नहीं चाहता था कि वो कभी बाहर आए, लेकिन ये निकुंज, उसके बाप ने उसकी जमानत करा दी और कहीं छुपा दिया। मैं पता करना चाहता था कि कहां छुपाया है, इसीलिए मैंने शीतल का इस्तेमाल किया। तो दिव्या का असली नाम शीतल है? मैं और दीपक सिर्फ दोस्त हैं। उन्होंने हमें पैसों का लालच दिया था। हमें पता था कि आदित्य के मामा का कैरेक्टर थोड़ा लूज है, फ्रेंड्स क्लब ऐप में बहुत एक्टिव रहते हैं। फिर शीतल ने दिव्या के नाम से एक फेक प्रोफाइल बनाई और उन्हें अपने जाल में फंसाया। उसी के जरिए मैंने बादल को आदित्य के घर में काम पे लगवाया ताकि वो निकुंज पर नजर रख सके। भास्कर, आपने अपनी बेटी खुशबू का बदला लेने के लिए अपने बेटे के साथ मिलकर किसी और की 14 साल की मासूम बच्ची का रेप कर दिया। मैं पागल हो गया था। तुम लोग चाहते तो अदिति को भी मार सकते थे, पर तुम लोगों ने अदिति को जिंदा छोड़ा। क्यों? हम चाहते थे कि अदिति जिंदा रहे ताकि उसकी हालत देखकर उसका बाप पूरी जिंदगी सोचता रहे कि उसके बेटे ने हमारी बेटी के साथ कितनी ज्यादती की। मुझे बस निकुंज की बहन का रेप करना था सर, क्योंकि उसने मेरी बहन का रेप किया और रेप का बदला रेप। बेटा ऐसे शांत मत रह, हमसे बात कर बच्चे, तू तो मेरी बहादुर बेटी है ना। तू तो हमारी डायरेक्टर साहब है ना, चल शूटिंग करते हैं, तेरी माँ और मैं एक्टिंग करेंगे और तू एक दिन बहुत बड़ी डायरेक्टर बनेगी। रेप जैसा घिनौना अपराध जिसके विरोध में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतर आते हैं, मीडिया प्रशासन सबके सब रेप विक्टिम की फैमिली से हमदर्दी जताते हैं, पर यहां एक घर की बेटी के रेप का बदला दूसरे घर की बेटी का रेप? सर ये सोच ही किसी जानलेवा बीमारी से कम नहीं है। हमारे समाज की औरतें आए दिन ऐसे घिनौनी सोच वाले मर्दों का शिकार होती रहती। कहने को औरत को घर की मर्यादा कहा जाता है, लेकिन आए दिन किसी न किसी घर में इसी मर्यादा का गला घोटा जाता है। क्यों? सिर्फ और सिर्फ बदला लेने के लिए। लेकिन अंग्रेजी की वो कहावत है कि व्हेन यू एम्बार्क द जर्नी ऑफ रिवेंज, डिग टू ग्रेव्स, एक सामने वाले के लिए एक खुद के लिए, क्योंकि बदले से सिर्फ और सिर्फ अंधकार ही मिलता है और कुछ नहीं। For more updates, subscribe to our channel.
Click the show links and enjoy watching the videos.